नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। अब जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा इस साल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो EWS कैटेगरी में आते हैं। अब EWS का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इनमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो अगर आप फॉलो करते हैं जिसमें अगर आप आते हैं तो आप EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। अब 10% सीट जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि रिजर्व किया जाएगा EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अब अच्छी खबर मेरे पास यह है, मैंने आपके साथ यह शेयर किया था कि 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी में रहेंगे, यह 100% में से नहीं निकाले जाएंगे, यह 10% इम्प्लीमेंट करने के लिए सीट इंक्रीज़ कर दी जाएगी, और वो जो सीट इंक्रीज होती है उनमें से जो 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। सीट इंक्रीज होने के बारे में मेरे पास काफ़ी अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आर्टिकल है मेरे पास जिसमें लिखा गया है, ओवर 2 लाख एडिशनल सीट विल बी क्रिएटेड इन 158 सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विद द यूनियन कैबिनेट गिव A go ahead on Monday. So said the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi on Monday approved the provision of reservation in admission for EWS student in Central Education Institution. यानी यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जो 10% reservation है implement होने वाला है उनमें implement के लिए 2 लाख seat increase कर दी जाएगी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अब 2 लाख सीट इंक्रीज होने वाले हैं, इसका मतलब यह होगा कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और आप फ़ायदेमंद रहेंगे कि MBBS की सीट इंक्रीज कर दी जाएगी, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट में भी सीट इंक्रीज कर दी जाएगी, और आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है वह काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर सीट इंक्रीज होगी तो ज़्यादा स्टूडेंट को चांस मिलेगा, और ज़्यादा स्टूडेंट को चांस मिलने की वजह से कट ऑफ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें 2 लाख सीट इंक्रीज होने वाले हैं और यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि कैबिनेट ने जो 2 लाख सीट इंक्रीज करने का प्रपोजल है इसे अप्रूव भी कर दिया है, यानी यह फिक्स है कि 2 लाख सीट इंक्रीज होने वाली है, उनमें से काफ़ी सारे सीट्स MBBS के मेडिकल कॉलेज में भी इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर आगे लिखा है कि 1,19,000 सीट 2019 में इंक्रीज हो गए और बाकी के 95,000 सीट 2020-21 में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। यानी इस साल के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MBBS के मेडिकल कॉलेज में अबाउट 5-10% सीट इंक्रीज हो जाएगी और बाकी जो है मेन सीट जो है नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।